सुप्रा स्पाइनेटस टेंडिनोपैथी या टेंडिनाइटिस ये ना शोल्डर का पेन का बड़ा कॉमन कॉज है। हमारी एक मसल होती है सुप्रा स्पाइनेटस जिसे काम होता है कंधे को उठाना। तो अगर हम इस पर्टिकुलर मसल की एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे, हम जिम में जा रहे हैं, डेल्टॉइड की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसमें डैमेज आ सकता है। कुछ लोगों को जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों को लेट आता है, आएगा जरूर अगर आप इसकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं करें। तो हमारी बेसिकली ये इन्फ्लेमेशन ये टेंडिनाइटिस टीयर के पहले का सिम्टम है। पहले टेंडिनाइटिस होती है, उसको हमने ठीक नहीं किया तो टीयर में कन्वर्ट हो जाती है। सो वो इसलिए हुई क्योंकि हमारी जो पर्टिकुलर मसल वीक थी, वो वीक मसल की वजह से वो टेंडन में हमारे प्रॉब्लम आने लगी। अब इसको हील करने का तरीका रहता है कि जैसे बाकी हमारी बॉडी में सब चीज़ें हील होती है ब्लीडिंग से, ब्लड से कट लगेगा तो ब्लीडिंग होगी, क्लॉट आएगा, नया तो दिया जाएगी। सो टेंडिनाइटिस भी ब्लड से ही ठीक हो सकती है। एक तरीका रहता है कि आपके ब्लड से हमने पीआरपी निकाला, प्लेटलेट्स प्लाज्मा, वो इधर इंजेक्ट किया शोल्डर में 3 बार। ब्लड में हमारे प्लेटलेट्स प्लाज्मा रहते हैं जो इसको रिपेयर कर सकते हैं। अब रिपेयर का असर तभी आएगा जब आप एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि ये वीक तो तभी हुआ ना क्योंकि हमने रोटेटर कफ एक्सरसाइज नहीं की। तो हम आपको हर बार एक्सरसाइज सिखाते रहेंगे, 1.5 महीने में ठीक हो जाएंगे। एक्सरसाइज छोड़नी नहीं है। जो बहुत अच्छे एलीट बॉडी बिल्डर्स होते हैं ना, एथलीट होते हैं, वो शोल्डर का वार्म अप कर रहे होते हैं थेराबैंड से, डंबल से, उससे, पुलिस से, वही सेम कुछ इस तरह की एक्सरसाइज। तो वही एक्सरसाइज हमें शोल्डर की, जिस दिन आपका जिम का दिन है उस दिन कॉपरेट कर दो, 15-20 मिनट का वार्म अप है, जिंदगी भर ठीक रहेगा। एक में प्रॉब्लम है दूसरे में आ सकती है, एक्सरसाइज दोनों में करनी है। ये चीज़ तो 100% ठीक हो जाएगी और फ्यूचर में भी कभी नहीं आएगी अगर हम एक्सरसाइज रेगुलरली। बस उस लेवल तक पहुंचने में आपको सिखाना पड़ेगा 3-4 बार। हर जगह तो हीलिंग हो जाती है, चमड़ी में हीलिंग, चमड़ी में चोट लगी हीलिंग होगी, हड्डी टूटी हीलिंग होगी। अब शोल्डर और नी जॉइंट में अगर चोट लगती है तो हीलिंग नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि जहाँ पे हमारी मोबिलिटी है वहाँ पे हीलिंग नहीं है। नेचर ने हीलिंग क्यों छीन ली जहाँ पे मोबिलिटी है? क्योंकि हीलिंग हमारी क्लॉट बनने से होती है, हीलिंग हमारी बिना क्लॉट बने नहीं हो रही। मैकेनिज्म ही ऐसा है कि थक्का जमेगा खून का तभी हीलिंग होगी, थक्का नहीं जमेगा तो हीलिंग नहीं होगी। अब अगर क्लॉटिंग होने लग जाए जॉइंट्स के अंदर तो जॉइंट खराब हो जाएंगे, जाम हो जाएंगे। सो कुछ कुछ बीमारियाँ होती है जिसके अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है जॉइंट्स के अंदर, बचपन से ही होती है। सो उन बच्चों में जॉइंट पूरे खराब हो जाते हैं। तो नेचर ने अगर मूवमेंट दिया तो हीलिंग हटा ली, पर कुछ समय के लिए हीलिंग कर सकते हैं। अगर मैं रोज़ पीआरपी दूं तो कंधा ख़राब हो जाएगा, वहीं मेरे पास सिर्फ 3 बार शॉट्स दिए, फिर हमने एक्सरसाइज करी तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊँगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूँगा, आपके फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।